अपने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के नाम से जाने जाने वाले बल्लेबाज युवराज सिंह आज रायपुर के दौरे पर थे। गुरुवार को रायपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर युवराज का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में युवराज के फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए उतावले दिखे। युवराज सिंह यहाँ कैंसर अवेयरनेस के लिए अपने द्वारा चलाए जा रहे कैंपेन यू वी कैन को प्रमोट करने पहुंचे थे। युवराज सिंह कुछ साल पहले कैंसर से पीड़ित थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से कैंसर के खिलाफ लड़ाई लड़कर एक बार फिर भारतीय टीम में वापसी की, उससे देश के लाखों कैंसर मरीजों का मनोबल बढ़ा। कैंसर के मरीजों के लिए युवराज सिंह देश भर में एक कैंपेन चला रहे हैं, जिसका नाम यू वी कैन रखा गया है। लड़कों को खेलना चाहिए या लड़कियों को किचन में आगे खाना पकाना चाहिए, तो आई थिंक वो एक गलत मैसेज है। मैसेज ये जाना चाहिए कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, हर बच्चे को खेलना जरूरी है। बाहर सिर्फ ये नहीं कि हर बच्चा पढ़ाई करे, खेलना भी उतना ही जरूरी है जितना पढ़ाई है। तो आई थिंक ये बहुत एक अच्छा हमने इवेंट किया है जिसे सुधार कि हमने वो मैसेज हर दुनिया में हर हिस्से में उस मैसेज को स्प्रेड किया। बहुत से इंस्पायरिंग स्टोरी थी बच्चों की जो सुनने को मिली, तो बहुत अच्छा लगा। अंडर 19 के बच्चे वर्ल्ड कप खेलने जा रहे थे, उनसे इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगा। बट कि उसमें एक क्वाइट अच्छा टैलेंट है, लेकिन थोड़ा और सीजन खेलना होगा। जितना और सीजन खेलेंगे, जितनी ज्यादा क्रिकेट छोटे छोटे शहरों में जाएगी, तो और टैलेंट उभर के आएगा। तो आप उससे ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो पहले साल में बहुत अच्छा करेंगे, उनको आपको थोड़े सीजन देने पड़ेंगे अच्छी टीम बनेगी। सर, मेरा नाम क्लिपर 28 के लिए कैमरा पर्सन होरीलाल के साथ चंद्रेश चौधरी की रिपोर्ट। Just like, share and subscribe Clipper 28, the digital media.